हेलो दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे सुमिता अरोरा क्लास 11 का चैप्टर कंडीशनल एंड इंटरेक्टिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, मैं आइडियल पाइथन खोल लेता हूँ। जैसा देख रहे हैं मैंने यहाँ पहले से क्वेश्चन दोनों राइट करके लिखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ना। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी इंटीजर बिटवीन 1 and n divisible by m, also report whether the number that is divisible by m is even or odd। मतलब कह क्या रहा है कि हमको ना एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ना हम पहले इनपुट करें 1 से लेके n नंबर तक का कोई नंबर, ठीक है, और फिर ना उसको हमको एस और नंबर इनपुट करना है और ना उसको डिवाइड करना है और बताना है कि ना जो वो m है वो मतलब कौन कौन नंबर से इवन नंबर से डिवाइड कर रहा है और फिर कौन कौन से नंबर से और नंबर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए एक प्रोग्राम बना लेंगे, फिर एक n नाम का वेरिएबल दे देंगे क्योंकि यहाँ पहले से दिया हुआ है कि n, ठीक है, n इंटीजर के लिए ना। तो n नाम का वेरिएबल ले लेंगे, फिर int क्योंकि इंटीजर बोल रहा है, इवरी इंटीजर प्रिंट करना है ना, तो int कर देंगे, फिर इनपुट और फिर यूज़र को मैसेज देते हुए कि इंटर n नंबर, ठीक है, और फिर m क्या बोलते हैं, m में भी जो डिविजिबल करना है, डिविजिबल जैसे डिवाइड होगा ना उससे, ठीक है, तो उसको भी मैं int कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी की बाद में प्रोवाइड आएगा ही ना। तो फिर इनपुट और फिर यूज़र को मैसेज देते हुए कि m एज ए डिविजर, ठीक है, और फिर यहाँ से आपको ध्यान देने की बात है फॉर आई इन रेंज, हम भी यहाँ रेंज लगाएंगे तब तभी काम करेगा क्योंकि हमको इवन और ऑड दोनों बताना है, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज लिखेंगे, फिर उसके बाद हमको 1 से लेके n नंबर तक बताना है, मतलब n के पहले तक, n को नहीं बताना है, n के पहले तक के बताने हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ना लिखे होते और यहाँ सीधे हम 8 लिखे होते या 9 लिखे होते तो ये सिर्फ इसका रेंज जानते कहाँ से कहाँ तक चला होता, 0 से लेके 8 तक चला होता, क्योंकि जो हमने रेंज चलता है तो 0 से चलता है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे तो इसी वजह से हम यहाँ 1 से लेके n तक करेंगे, ठीक है, और फिर इसके अंदर कोलन लगाते हुए आएंगे इफ आई परसेंट, यहाँ परसेंट का आप ये सिंबल देख रहे हैं, परसेंट है नहीं ये, इफ आई रिमाइंडर m, मतलब जो ये होता है रिमाइंडर, पाइथन का सिंबल होता है, पाइथन में होता है सिंबल ये, ठीक है, इफ आई रिमाइंडर m इक्वल टू 0, आई क्या होगा यहाँ पे जो ये नंबर होंगे जितनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होना चाहिए, तब इफ फिर से लिखेंगे इफ आई परसेंट मतलब आई रिमाइंडर बाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इवन और भी तो बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, ये इफ सोच रहे हैं क्यों मैंने किया ना, ये इफ ना पता लगाने के लिए करेगा कि कौन कौन सा एम ना कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर रहा है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या बोलते हैं ये पूरे नंबर को डिवाइड कर देगा, पॉइंट मतलब ला देगा आंसर को, इसी वजह से हमको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ आई परसेंट आई रिमाइंडर एम इक्वल टू 0 तब होना चाहिए कि इफ आई पर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 रहा तो प्रिंट हो जाना चाहिए वो इवन नंबर के साथ डिविजिबल हो रहा है, और नहीं हुआ तो एल्स लगा के हम प्रिंट कर देंगे आई नॉट डिविजिबल मतलब कि आई इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं, FI प्रेस के मैंने सेव किया इसको, मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, देखिए
हमको मैसेज आ गया एंटर द एन नंबर, तो 12 ठीक है, मान लीजिए छोटा समझाने के लिए छोटा ही देता हूँ। और फिर डिवीजर मान लीजिए मैंने 3 लिया ठीक है, तो एक ही क्या आया 3 आया, 6 आया, 9 आया। अब सोच रहे होंगे 12 क्यों नहीं आया, तो 12 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ये जो लूप है सिर्फ ना 12 के पहले तक चलेगा, मतलब 11 तक ही चला होगा, 12 नहीं चला होगा। वो 0 से लेके नहीं, मतलब यहाँ 0 का है नहीं, तो 1 से लेके 11 तक ही चला होगा, 12 नहीं चला होगा यहाँ पे। तो इसी वजह से वो 12 उसमें नहीं लिया है और यहाँ पे आया है, मतलब पहले तब 3 किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा, तो हाँ इसके बाद तो यहाँ पे कोई मैंने कंडीशन तो लगाया नहीं है, तो वो प्रिंट यहाँ पे नहीं होगा ठीक है। अगर कंडीशन लगाया होता तो प्रिंट होता, तो 3 पहले 1 को डिवाइड करेगा, नहीं डिविजिबल नहीं हुआ ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखा है कि इफ़ आई पर रिमाइंडर एम इक्वल टू 0 रहा, तब ये कंडीशन काम होना चाहिए, काम करना चाहिए, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसी वजह से इसमें पहले 3 1 से डिवाइड होगा, फिर 3 2 से, फिर 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 से डिवाइड होगा तो ये वो डिविजिबल तो हो जाएगा, तो यहाँ पे आई रिमाइंडर एम इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके अंदर चलेगा इफ जो नंबर रहेगा, मतलब यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आएगा, और फिर 3 क्या बोलते हैं, अगर रिमाइंडर 2 से हुआ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इवन प्रिंट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, ऑड नंबर, तो मतलब कि ये 3 ऑड नंबर पहले डिवाइड किया, फिर इसके बाद 6 फिर 4 चलेगा, फिर 5 चलेगा, जैसे ही 6 पर आएगा तो देखिए फिर डिवाइड हो गया, फिर इफ कंडीशन जो इफ वाला था वो सही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि इवन नंबर है, क्योंकि वहाँ पे ये इफ रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसी वजह से इवन हो गया ना। और फिर आगे चेक करेगा 7 फिर 8 फिर 9, जैसे ही 9 के पास आएगा तो देखिएगा कि ये डिविजिबल हो रहा है, तो फिर इसको भी प्रिंट कर देगा ऑड के साथ ठीक है। और फिर 10 और 11 भी नहीं होगा, ना ही 10 होगा। और फिर 12 तो उसने लिया ही नहीं था, 12 के पहले तक का लिया था, जैसे क्वेश्चन में तो बोला है नहीं कि कुछ खास कि ना 12 भी होना चाहिए, यानी कि तो वो एन नंबर भी होना चाहिए ठीक है, तो 12 के पहले एन के पहले तक ही नंबर लेंगे। तो एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, F5 प्रेस कर देता हूँ और इस बार कुछ अलग रखता हूँ, 26 2। आपको तो मालूम होना चाहिए जब 2 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो पूरा इवन नंबर ही होता है, तो ये पूरा इवन नंबर होगा। और देखते हैं क्या 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 लूप इसमें चल रहा है, तो सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 तो आएगा रिमाइंडर यहाँ पे, तो मतलब कि इक्वल टू 0 है नहीं ठीक है, तो वो 1 तो प्रिंट नहीं होगा। जैसे 2 आएगा, 2 डिविजिबल बाई 2 तो होगा, तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, तो ये आगे चेक करेगा। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि 2 किसी भी इवन नंबर को ही डिवाइड करता है, इसी वजह से वो इसका जितना भी आएगा आंसर सब इवन होगा, तो देखिए सब इवन नंबर ही है यहाँ पे। तो 25 तक ऐसे ही चलेगा, फिर 26 को लेगा नहीं, तो इसी वजह से लास्ट जो होगा वो 24 होगा ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।